तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आप लोग को शुरू कराने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है बाबू जो आपके मॉडल सेट 2022 में जो क्वेश्चन पूछने वाला है, जो प्रश्न पूछने वाला है 2022 के मेन एग्जाम में, उसके न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न हम लेके आए हैं। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम के व्यू से एकदम VVI क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को पहले से भी आग्रह था कि सर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लेके आइए, पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो लेके आइए, वो लोग भी जुड़ जाए, और जिन बच्चों को दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितने आपके पास दोस्त हैं वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कई लड़कों को फायदा हो इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से, ठीक ना, इस वीडियो से। और वीडियो को एंड तक देखे बाबू, ठीक ना, एंड तक देखे, अंत तक देखना नहीं भूले, ठीक ना, क्योंकि इसमें जो हम प्रश्न कराने जा रहे हैं, ठीक ना, 100 इसका हम पार्ट 1 करा रहे हैं आज, ठीक ना। तो जिन बच्चों को बेनिफिट है, ठीक ना, हो उनके पास आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा आप लोग को आज कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ये वीडियो, ठीक है। पहला प्रश्न है बाबू आपका, ठीक ना, पहला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, किस आंदोलन की शुरुआत की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, थोड़ा लंबा है, देखिएगा कि आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी, ठीक ना, कि भारत के सामने जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती थी, जो हम लोगों ने एक अखंडता भारत बनाने का जो हम लोगों ने मार्ग चुना था, तो इसमें किस प्रकार की चुनौती थी। तो देखिएगा कि इसमें चुनौती थी विविध से भरे भारतीय समाज की एकता को सूत्र में बांधने रखने की चुनौती। ये बात भी सही है, ठीक ना, कि हमारे देश में विविधताओं से भरे भारतीय समाज था, ठीक ना, कुछ लोगों का कल्चर अलग है, कुछ लोगों का भाषा अलग है, लेकिन सबको एक साथ एकता के सूत्र में बांध कर रखना एक चुनौती था। और अपने देश में राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र को बनाने की बात कही जा रही थी, तो ये भी एक चुनौती था। और आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती थी, ठीक ना, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, गरीबी को दूर करना, ये भी चुनौती थी। मतलब कि ये तीनों कंडीशन हम लोग का एक चुनौती था, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। तो टू का क्या हो जाएगा आप लोग का, टू का क्या हो जाएगा, आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी, तो उपयुक्त सभी, ठीक ना, कि सभी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ठीक ना। अगला प्रश्न है बाबू कि भारत विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी, ठीक ना। ये देशी रियासतें क्या है बाबू, ये देशी रियासतें है कि राजवाड़ा, ठीक ना, राजवाड़ा, ये क्या है, राजवाड़ा है, ठीक ना, कि आपके देश में कितने राजा, मतलब कि उस समय राज करते थे, कितने राजवाड़ा था कुल मिलाकर। तो बताते बाबू कि आपका आंसर हो जाएगा डी विल बी आंसर, ठीक ना, 565, ठीक ना, क्या हो जाएगा, 565। तो देखिए बाबू कहीं कहीं आप लोगों को 562 भी देता है, ठीक ना, क्या देता है, 562 भी देता है और 572 भी देता है। तो जहां 565 या 572 होगा, 62 होगा, वहां आप लोग को आंसर टिक कर देना है, ठीक ना, कहीं 565 भी देता है, 562 भी देता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चार नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। तो सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा रेगजे मैकडोनाल्ड ने किया था, कौन किया था, ऑप्शन बी विल बी आंसर, रेगजे मैकडोनाल्ड ने किया था। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी कौन, रेगजे मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, ये हर, मतलब कि हर साल पे कहीं ना कहीं पूछ देता, अब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव लेना है इसको पॉलिटिकल साइंस से, और अब 100 ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी उठाना ही है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, ठीक है बाबू, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से पढ़िएगा। कह रहे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, ठीक है, तो इसका गठन हुआ था बाबू 29 सितंबर 1953 ईस्वी को, ठीक ना, कब हुआ था, 29 सितंबर 1953 ईस्वी को, ठीक ना। लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था, अधिनियम, तो आप लोग का आंसर होगा 1956, ठीक है, क्या होगा, 1956, याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ 1956 में, ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छह नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू, अगला प्रश्न है आप लोगों का छह नंबर बाबू, ये कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, ठीक ना,
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो ये है स्विट्जरलैंड में बाबू, ठीक ना, कहा है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सात नंबर क्वेश्चन, सात नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा कि दोहरी नागरिकता जो है कि हमारी विशेषता नहीं है, हमारी हमारे संघ की विशेषता दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। हमारे देश में क्या है, एकहरी नागरिकता, माने कि एक ही नागरिकता है, ठीक है। आठ नंबर प्रश्न देखते हैं, आठ नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य और विधायियों के बीच, ठीक ना, संबंधों का उल्लेख है, तो यह है बाबू ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना, अनुच्छेद ए 245 से 255, ठीक ना, पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसा अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आते हैं बाबू, तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 245 से 255 के बीच, ठीक ना, केंद्र और राज्य के बीच, ठीक ना, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, ठीक ना, कितने वर्ष का होता है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बाबू 5 years, ठीक ना, 5 वर्ष के लिए होता है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू कि माउंट बैटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, माउंट बैटन योजना निम्नलिखित में से किससे है, तो माउंट बैटन योजना बाबू आप लोगों को बताते हैं कि यह भारत विभाजन से संबंधित है, ठीक है, किससे है, भारत विभाजन से संबंधित है, ठीक ना, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है, भारत विभाजन से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन थे, तो बाबू स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र पार्टी के निर्देशक सिद्धांत था, ठीक ना, इसका क्या निर्देशक सिद्धांत था स्वतंत्र पार्टी का। 12 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत क्या था, तो ये था व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, ठीक ना, स्वतंत्र पार्टी की क्या सिद्धांत था कि व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता है आपके पास, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है बाबू कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ठीक है, प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, ये आपका प्रश्न है, नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, पेज लेआउट के कारण ऐसा बात हुआ है, ठीक ना, तो आप लोग का है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना, ऑप्शन बी होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 ईस्वी में, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक ना। जिन बच्चों को आंसर पता है लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, और कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, एक्सप्लेनेशन कैसा हो रहा है इसका भी आप लोग जवाब दीजिए कि कैसा चल रहा है, ठीक ना, वीडियो कैसा चल रहा है, कमी कहाँ है, ठीक ना, हमको तो नहीं लगता कि कहीं कमी है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। चलिए आवाज क्लियर है ना, सब आवाज पूरा क्लियर है, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक बाबू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक ना, कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ऑप्शन ए विल बी आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक ना, यहाँ देखिएगा बाबू, ठीक ना, यहाँ है कि यहाँ बाबू 18 होगा, ठीक है, 18 कि 1885 में किस राजनीतिक दल का स्थापना हुआ, ठीक ना, 18 होगा, ठीक ना बाबू, ये गलत है, ठीक ना, ये होगा 1885, ठीक ना, माफ कीजिएगा टाइपिंग में गलत हो गया, ठीक है, 1885 में किस राजनीतिक दल का स्थापना हुआ, ठीक ना, 1885 में, ये बाबू इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना, ये गलत टाइपिंग हो गया, 1885 होगा, तो 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो 1885 ईस्वी में आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक ना, किसकी हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। अगर अपन देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ, ठीक ना, 16 नंबर प्रश्न है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था, तो लोग बता दें कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, ठीक ना, 5 बातें रखी गई थी, ठीक ना, 5 बातें रखी गई थी भारत और चीन के बीच 1954 ईस्वी में, ठीक है, कब रखा गया था, 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच 5 बातें रखी गई, जिसको हम लोग पंचशील समझौता के नाम से जाने गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, ठीक है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है,
ये प्रश्न है बाबू आपका 17 नंबर की, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा ही है। तो ये आपका हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ठीक ना। एक दलीय सॉरी कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, ठीक ना। हाँ ठीक है, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ठीक है। एक मजबूत राजनीतिक दल का अभाव रहता है, ठीक ना। अगला देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। तो ये हो जाएगा बाबू कांग्रेस पार्टी, ठीक ना। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये जो दल है कांग्रेस दल ने क्या किया कि एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संस्थागत क्रांतिकारी दल किस नेता की राजनीतिक दल है, ठीक ना। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है, 19 नंबर प्रश्न है बाबू। तो ये हो जाएगा मैक्सिको, ठीक ना। क्या हो जाएगा, मैक्सिको। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। संस्थागत क्रांतिकारी दल मैक्सिको की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर कि गुट निरपेक्षता का अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, VVI, ये है VVI क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं VVI, ठीक है। इसी को आप लोग लगा लीजिए, इस VVI है, इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है। कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो बाबू आप लोग को बता दें कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है। बता दे बाबू कि शीत युद्ध में दो गुट बना था, पहला और दूसरा, ठीक ना। मतलब कि पहली दुनिया दूसरी दुनिया, ठीक ना। लेकिन गुट निरपेक्ष बना हमारा देश भारत, तो उस क्या हुआ, तीसरी दुनिया ही हो, ठीक ना। तीसरी दुनिया हुआ मतलब कि पूंजीपतियों और साम्यवादियों के गुट में शामिल ना होकर हम एक अपना अलग दल बनाए, तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यही गुट निरपेक्षता का अर्थ है, ठीक है। आते हैं 21 नंबर प्रश्न पर, ठीक ना। 21 नंबर प्रश्न है बाबू कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, ठीक है। मैकमोहन रेखा कहाँ है बाबू, ठीक ना। तो मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी विल बी आंसर। ये मैकमोहन भारत और चीन के बीच की जो लाइन है ना, वही है, ठीक ना। भारत और बीच के रेखा को अलग करती है, दो भाग में मतलब कि अलग करती है ये रेखा, ठीक ना। तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। अब देखिएगा कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, ठीक ना। भारत में जो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किस योजना के आधार पर हुआ, ठीक है। किस योजना के आधार पर हुआ, तो बताते हैं बाबू कि वह कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ, ठीक ना। किसके आधार पर हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। ब्रेडलैंड आयोग किससे संबंधित है, 24 नंबर प्रश्न है बाबू कि ब्रेडलैंड आयोग किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जनसंख्या से ब्रेडलैंड आयोग संबंधित है, ठीक ना। किससे है, जनसंख्या से। ऑप्शन बी विल बी आंसर। ब्रेडलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो जनसंख्या से संबंधित है, आप लोग समझ लीजिए। पहला है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर ये भी। चलिए बाबू 24 नंबर ये भी मतलब कि ये मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन चलते हैं, ठीक ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक ना। तो बाबू बता दें, योजना आयोग की स्थापना अपना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को अपने देश में योजना आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक है। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 25 नंबर वो प्रश्न है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक ना। जो चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक ना, तो चीन ने कि भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए विल बी आंसर, ठीक ना। 1962 में क्या हुआ था बाबू कि चीन ने पंचशील समझौता, ने बताया ना आप लोगों को कि 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, लेकिन जिसमें 5 बातें रखी गई थी, लेकिन 1962 में चीन ने पंचशील समझौता को अलग कर दिया, उस बातों को नहीं माना, और 1962 में क्या हुआ कि हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, जिसके कारण युद्ध हुआ, ठीक है। सब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक ना। किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक ना। तो यह है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे संविधान में उद्देश्य जो है कि प्रस्ताव किया गया, ठीक ना। उद्देश्य जो है कि प्रस्तुत किया गया हमारे देश संविधान में, ठीक ना। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक ना। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू कि कांग्रेस प्रभुत्व का काल
कब से कब तक माना जाता है, ठीक ना, कांग्रेस प्रभुत्व का काल कब से कब तक माना जाता है, तो यह बाबू 1952 से 1967 तक। मतलब कहने का यह है कि यहाँ तक कांग्रेस का ही शासन रहा अपने देश में, ठीक ना, 1952 से शुरू हुआ 1967 तक आपके देश में कांग्रेस का ही राज रहा, ठीक ना। उसके बाद से फिर इंदिरा गांधी जी थी, आपातकाल लगा, फिर जनता पार्टी की सरकार आ गई, मतलब कि पार्टियाँ बदल गई। तो वही कहा कि कब से कब तक रहा, तो यहाँ पे 1952 से 1967 तक। उसके बाद से कांग्रेस का भी दो विभाजन हो गया, एक आर बन गया और एक एस बन गया, ठीक ना। चलिए आते हैं 28 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है बाबू कि भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक ना, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्षों में बांटा गया है, ठीक ना, ठीक ना। 28 नंबर बाबू आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक ना। वर्ष बाबू गलत गया है, तो ये चार वर्गों में बांटा गया है, ठीक ना। भारतीय राज्यों को कितने, चार वर्गों में बांटा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, 29 नंबर बाबू प्रश्न है कि भारतीय लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो भारतीय लौह पुरुष बाबू डी, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। हम बाबू आप लोग को अभी बता दिए हैं कि रियासत अपने देश में 562 की संख्या में था, ठीक ना, 562 की संख्या में था, और मतलब रियासत मतलब कि राजवाड़ा, ठीक ना। तो किस राजवाड़ा के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो ये है बाबू जम्मू कश्मीर के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न है बाबू, 21 नंबर है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज कौन है, ठीक ना, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज क्या कौन है, तो बाबू 31 का सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। ये भाषा के आधार पर, तमिल भाषा के आधार पर, किस भाषा के आधार पर, तमिल भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज 1953 ईस्वी में यह राज बना था, ठीक ना, भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज यह बना था, ठीक है। अब देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं बाबू कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, ठीक ना। 32 नंबर है कि भारत में विविधता मतलब कि एक विविधता में एकता, विविधता क्या है, मतलब कि भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक ना, कई प्रकार के लैंग्वेज के लोग रहते हैं, बिहार में भोजपुरी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, लेकिन इन सब में एकता की बात किसने बताई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न में अगर हम ध्यान देते हैं बाबू, ठीक है, 33 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना से है, ठीक ना। तो पंचवर्षीय योजना की, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया, ठीक ना, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया, तो वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे हमने औद्योगिकरण का रफ्तार दिया गया, ठीक ना। लेकिन बाबू कहीं कहीं प्रश्न पूछ देता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या किया है कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक की तेज रफ्तार पर बल दिया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। जिन लोगों को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आंसर, ठीक ना। जिन बच्चों को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, कि पता ही पता चलेगी किन बच्चों को कितना पता है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है बाबू कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक ना, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, 34 नंबर प्रश्न है, ठीक ना। तो आप लोग का ये हो जाएगा बाबू कि नॉर्मल बोरलॉग जो है, तो ये हमारे विश्व में हरित क्रांति के जनक है, ठीक ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक ना, याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो यह है ए, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, अपना संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न 36 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि और सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आगे ना क्वेश्चन हमने बताया था ना, ठीक ना। 36 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है बाबू प्रथम पंचवर्षीय योजना। हमने बताया था ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, कृषि से, ठीक ना। तो कृषि और सिंचाई से प्रथम पंचवर्षीय योजना संबंधित है, ठीक ना। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू, 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, ठीक ना, VVI। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया बाबू, तो यह है आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर, ठीक ना, आर्थिक कार्यक्रम के समिति के सिफारिश पर, ठीक ना।
जिसके अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ठीक है, 38 नंबर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बाबू 1952 में हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक है, कब हुआ, 1952 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा बाबू लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे कि जय जवान जय किसान, और कब दिए थे, मतलब कि 1964-65 में इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग भी आंसर देते रहिए, जिन बच्चों को पता है जल्दी से दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जिन दोस्त जो आप लोग के दोस्त जो लोग पॉलिटी नहीं भी लिए हैं और जिनके दोस्त पॉलिटी लेके पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, एग्जाम के बीच से पढ़ाई तो हो नहीं रहा है, कोचिंग में ऑनलाइन ही पढ़ना है सबको, चाहे समझ दीजिएगा। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, चाहिए समझ रहे कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो है तिलहन उत्पाद से। ठीक है, तिलहन उत्पाद से क्या है, पीली क्रांति का संबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑपरेशन फल्ड किसे से संबंधित है। ऑपरेशन फल्ड आप लोग का ये क्वेश्चन है बाबू कि ऑपरेशन फल्ड किसे से संबंधित है। ठीक है, तो ऑपरेशन फल्ड आप लोग का संबंधित है बाबू दूध उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन से ऑपरेशन फल्ड संबंधित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इंदिरा गांधी के जमाने का ये क्वेश्चन है। ठीक ना, इसको बार बार पूछता है। ठीक ना, ये पूछता है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब किया गया, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि सरकारी कर दिया गया, प्राइवेट बैंक को सरकारी कर दिया गया। ठीक ना, तो राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि सरकारी कर देना, प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना। अब अभी क्या हो रहा है आपके देश में, अभी सरकारी चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है, जिसको हम लोग निजीकरण बोलेंगे। ठीक ना, लेकिन उस समय क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, सरकार प्राइवेट चीज़ों को सरकारी किया गया था। तो भारत में 14 बैंकों को का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 22 का 42 का आपका आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक ना, कब किया गया था, 1969 ईस्वी में ये काम किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 43 है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये वर्ल्ड से है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है कि इंडियन ज्योग्राफी से है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1931 में 1931 ईस्वी में पीसी महालोनबिस के द्वारा किया गया था। किसके, महालोनबिस के द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया गया था, और कब किया गया था, 1931 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक है, अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक ना, 24 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक ना, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो बताते बाबू कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक ना, सी इसका आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, मतलब कि ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, इसमें कहा जाता है कि सब चीज़ सरकार के हैंड में रहेगा, सब कुछ सरकारी चीज़ रहेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ प्राइवेट रहेगा। ठीक ना, और मिश्रित में कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट रहेंगे। ठीक ना, सब सरकार का यहाँ पे ध्यान रहेगा। ठीक ना, तो हमारे यहाँ क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कुछ चीज़ सरकारी है, कुछ प्राइवेट है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सब प्राइवेट होते जा रहा है, मतलब कि धीरे धीरे हम लोग भी पूंजीवादी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, अगले देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 45 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न की संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। बिहार में किस दशक में, मतलब किस साल के दशक में खाद्यान्न जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी, तो वह है बाबू आप लोग का 1960 के दशक में। ठीक ना, कब, 1960 के दशक में हम लोग का खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू कि संविधान निर्मात्री सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन है, कौन चुने गए। ठीक ना, 46 नंबर क्वेश्चन कौन है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए, तो ये है बाबू आप लोग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्ररूप समिति के अध्यक्ष चुना गया। ये बाबू हमने कल के हिस्ट्री के भी वीडियो में आप लोग को बताया है। ठीक ना, और फिर यहाँ आप लोग को पॉलिटी में बता रहा हूँ कि प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। ठीक है,
विकास के अवधारणा के संबंध में, विकास के अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो बाबू आपका 47 का हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा विकास के संबंध की अवधारणा में तो आर्थिक समृद्धि आती है। जब आर्थिक समृद्धि आती है तो विकास होता है। सामाजिक संरचना और नागरिक की दशा में परिवर्तन आता है। अगर सामाजिक संरचना और नागरिक की दशा में परिवर्तन आएगा तो उसे विकास कहेंगे। ठीक ना, असमानता में कमी आती है, माने कि हम छोटे हैं आप बड़े हैं, असमानता में कमी आती है, सबको बराबर चीज दिया जाता है, तो क्या है विकास का उदाहरण है। मतलब कि इसका तीनों ऑप्शन राइट है, तीनों ऑप्शन सही है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा उपयुक्त डी। ठीक ना, आंसर इसका डी हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसको याद रखिएगा। ठीक ना, सो याद रखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन को कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किए। ठीक है, ये देखिएगा चुनाव से पूछ दिया क्वेश्चन कि बिहार 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किए, तो वो था राजद। कौन था, राजद। लेकिन बाबू ये 2015 का है। ठीक ना, आप लोगों को ये मॉडल सेट हमने 2022 के लिए सेट किया है ना, तो 2022 में आप लोगों को सवाल आ सकता है कि 2020 के चुनाव में, तो अभी जो हम लोग का 2020 का चुनाव हुआ तो इसमें किसको मिला, तो इसमें मिला था बाबू बीजेपी को। ठीक ना, किसको मिला था, बीजेपी को। और 2015 का पूछे तो राजद को, 2020 का पूछे तो बीजेपी को, दोनों क्लियर हो गया। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। ठीक ना, 49 नंबर प्रश्न पर हमने ध्यान दिया कि किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया, मैंने भारत ने पंचवर्षीय योजना लागू किया या किस देश को देख के लागू किया, किस देश में पहले लागू था उसको देखा देखी भारत ने भी अपने यहाँ लागू किया, तो वो था सोवियत संघ। सोवियत संघ बाबू यहाँ रूस होगा। ठीक ना, सोवियत संघ रूस के देखा देखी हम लोगों ने लागू किया। ठीक ना, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी विल बी आंसर। ठीक ना, 49 का क्या हो जाएगा, डी। रूस पहले रूस में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, उसके बाद से अपने देश में लागू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना, कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से कौन नीतियाँ, किन नीतियों का महत्व दिया। ठीक ना, माने भारत की जितनी भी नीतियाँ बनी हुई थी तो संचालन के लिए भारत ने किस नीति का सबसे ज़्यादा मत की महत्व दिया था, तो बता दें कि भारतीय संविधान के सभी जो थे उसको मतलब कि महत्व दिया। ठीक ना, जनतंत्र समाजवाद की स्थापना। ठीक ना, भारतीय समाज की व्यवस्था के आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र, मतलब कि उपयुक्त सभी भारतीय संविधान के। ठीक ना, सभी नीतियों को संचालित किया। तो बाबू आप लोगों को बताइएगा, आप लोगों का टॉप 50 क्वेश्चन हमने आज कराया, इसको बोलेंगे पार्ट वन। ठीक ना, क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे पार्ट वन। पार्ट वन आप लोग का आज क्लियर हुआ। आप लोग 50 को याद कीजिए, वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग पॉलिटिकल साइंस लिए उसको हल्के मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया है और एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पार्ट वन है, पार्ट टू के लिए इंतजार कीजिए, पार्ट टू कल आएगा। ठीक ना, और सेशन में दीजिए कि कमेंट कीजिए कितने आप लोग के स्कोर किए, कितना स्कोर हुआ आप लोग को। ठीक है, धन्यवाद, गुड इवनिंग, कल के लिए हैप्पी टीचर्स डे आप लोग सभी को। ठीक ना, जय हिंद, जय भारत।